बैड किंग देखे क्या रहा है मुझे जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मैं इसके ऊपर अटैक करने को रे कोको ने भाई जेब बड़ा तोड़ेगा, इसके ऊपर अटैक कर देता। कितनी बड़ी इच्छा है बट भाई पीछे नहीं हट रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डोकन। और गाइस पीछे घूम रहा हमारा रेड किंग, और गाइस मौसम हो रहा बिल्कुल एक नंबर का। ये देखना भाई बारिश का मौसम हो रहा, और गाइस हमारी छत का काम चल रहा, इसीलिए भाई आजकल डॉग्स को बांध कर रखना पड़े। बांध का तो नहीं मतलब कमरे वमरे में बंद करके रखना पड़े, फिर भाई मिस्त्री डरे ना उनसे। कभी कभी बंद करने की मजबूरी भी हो जाती है, जैसे कि आज होगी। वैसे तो मैं अपने सारे डॉग्स को आजादी रखूं, इसी वजह से भाई ये सारे सारे फ्रेंडली है। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ गया आ गया। हेलो भाई जंप लगा के सीधा अपने घर में जा लिया। बट भाई रेड किंग का ये है कि आराम से केज के अंदर जाकर लेट जा, ज्यादा परेशान वरेशान से नहीं करता, मतलब हा हू ऐसा नहीं करता, समझ रहे हो। तो गाइस ये घूम रहा हमारा रोक, और गाइस एक बैड न्यूज है बेचारे के भाई, थोड़े से पैर से अकट गया आज। वैसे तो भाई काफी हद तक ठीक हो गया था, बट भाई आज थोड़ी सी दिक्कत लग रही मुझे। ये देखो भाई पिछले पैरों में दिक्कत सी आ गई। और गाइस रेड किंग के केज का गेट पहला बंद कर दिया था जब रोक को बुलाया, दोनों को भाई 36 का आंकड़ा। आज रोक का रेस्ट है, ये घर पे रहेगा, इसे कहीं लेके नहीं जाऊं, आज ओनली कोको को लेके जाऊंगा। तो गाइस कोको हमारी ये घूम रही, और गाइस जब से टायर में लगी पड़ी थी, लो भाई फिर से टायर के पास जा ली, बट भाई ग्रिप नहीं लगवाता क्योंकि भाई काफी देर से ग्रिप लगा रही थी यहां पे आके ली। सारे दिन भाई कुछ ना कुछ करवाते रहो, लग गई भाई देखो फिर से टायर में। अब भाई थोड़ी देर में से घुमाने लेके जाऊंगा। चिंटू डोन को देखो कैसा बैठा बाइक के बीच में। चिंटू डोन चलागा तो भी घूमन, चिंटू भाई घूमने जाने को बिल्कुल रेडी हो रहा। वैसे भाई रेडी तो सिम्बा भी हो रहा, बट भाई सिम्बा के पैर में चोट लग रही, वरना सिम्बा को भी लेके चलते। और गाइस रोक के थोड़ी देर पहले दिखाया था पैर कट रहे, सभी के तो पैर में हो गया कुछ ना कुछ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चिंटू को देखो भाई कैसा कर रहा, चिंटू नु कर रहा रोक को लेकर चल। हाँ चिंटू रोक को लेकर चलो, रोक के पैर में चोट लग रही आज, रोक को लेकर चलते। और गाइस हमारा सब्सक्राइबर आ रहा था मिलने के लिए। हाँ भाई मिल गया, कौन सा बढ़िया लगा? रोक ही बढ़िया लगा सबको भाई, रोक ही बढ़िया लगा क्योंकि भाई रोक बच्चों के साथ ज्यादा अच्छे से मिला है ना। चल भाई रोको अंदर चला जा तू, बाय बाय। तो गाइस अभी सोच रहा जब रोकने जा रहा मेरे साथ, तो रेड किंग को लेकर चलता हूँ, रेड किंग और कोको दोनों साथ चलेंगे। रेड किंग को लेकर नीचे, बट भाई बाहर चिंटू पड़ा, चिंटू के साथ दिक्कत है इसकी, कोको भी चला गया, बट भाई चिंटू को भगाना पड़ेगा वरना भाई वो साथ साथ चलेगा फिर। चिंटू मानने का तो है नहीं, बट भाई फिर भी कोशिश करेंगे सब भगाने की। चिंटू से पीछे छुड़ाया तो आप कैसे डॉग्स एग्रेशन कर रहे, आगे फाइनली खेत वाले रास्ते पे। और गाइस बहुत मुश्किल से हम भाई बार बार चिंटू भगा रहे, वो कहीं ना कहीं से निकल आ रहा, बट भाई जैसा तैसा करके भगा ही दिया। रेड किंग की वजह से भगाया वरना भाई खेत में दोनों गुट बजते। घूम रही कोको की दुश्मन, इसके साथ भाई कोको का 36 का आंकड़ा पूरा। तो गाइस अब ये ट्यूब लेकर भी आगे, इसका भाई धीरे धीरे पिकअप बने, कोको से तुरंत लगा ले, लगा ले, लगाइए नहीं, ग्रिप लगाने का प्लान कैंसिल हो गया। रेड किंग का दुश्मन आ लिया सामने से, कोको को भाई बांध लेते हैं क्योंकि भाई इसके भी दुश्मन वैसा भाई ना एग्रेशन नहीं करवा रहे, मतलब थोड़ा दूर से मिलवा रहे। ओए ये देखो भाई तो मेरे ऊपर टूट रहा है भाई, मुझे लग ही रहा था भाई मेरे ऊपर अटैक करने वाला। रेड किंग देखे क्या कर रहा है मुझे, साले को बम से उड़ा दूंगा। और गाइस देखते हैं भाई रेड किंग गुस्से में आ गया जब ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। ओ भाई आ गया भाई गुस्से में आ गया। अरे वाह ओ भाई हो, रेड किंग देखे क्या कर रहा है मुझे, मुझे पता अगर पकड़ लिया ना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी छुड़वाने में, बहुत कैडी ग्रिप लगा लो, देखना भाई बिल्कुल थोड़ा छुड़ा रहा, बिल्कुल पागल हो गया। एक बार हाथ में आ जाए तो देख लो भाई रेड किंग वैसा कितना ज्यादा शांत था, जैसे भाई टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक करा रेड किंग पूरे गुस्से में आ गया। चलो भाई आज ये भी पता चल गया अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो रेड किंग या फिर मेरे डॉग्स क्या करेंगे, खत्म। देखो भाई जैसा पड़ रहा है, रेड किंग देखिए, रेड किंग तुरंत गुस्से में आ जा, लाइन से पीछे आके भाई। वैसे भाई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई मौसम ठंडा हो रहा है, एग्रेशन करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और गाइस वैसा टाइगर भाई सबके साथ फ्रेंडली है, इसकी तो मेरी साथ ही दुश्मनी हो रही। ओ भाई पकड़ लो रे सर, अगर भाई 1% छूट गया ना तुरंत बुड़का भर लगा। रेड किंग कह रहा मैं उसका बुड़का भर लूंगा। रेड किंग को यहाँ पे बांध दिया और गाइस बिल्कुल टाइट बांध दिया। अब भाई रेड किंग को खुला तो छोड़ नहीं सकते, सब समझ ही गए होंगे क्या होगा अगर इसे खुला छोड़ दिया, तू समझा। अब भाई को ग्रिप लगवाते हैं, ये देखना भाई बिल्कुल पागल हो रही ट्यूब को देख के। ओ भाई साहब नु कह रही बस एक बार पकड़ा पकड़ा दो, ओए अपना हाथ वात बचा लिए, लो भाई लगा ली ग्रिप। ओए पीछे ही लगी, कोको भी बच्चे चोट लगवा लिया बिल्कुल दम देगा पड़ी पीछे। अरे रहने दे इसकी भाई ऐसा नहीं लगवाते ग्रिप, ऐसा तो भाई चोट लगवा लेगी क्योंकि भाई एक तो चेस्ट बेल्ट नहीं है, गर्दन में जोर पड़ रहा होगा। और गाइस वैसे भी बढ़ देगा नीचे पड़े, कहीं और जुगाड़ करता हूँ ग्रिप लगवाने का। अमरूद के पेड़ पे बांधते हैं बस भाई, थोड़ी सी दिक्कत इसकी है, क्या पता भाई वो लग जाए उसका। इस कोको बिल्कुल रेडी हो रही ग्रिप लगाने को, लो भाई सीधा पकड़ लो भाई साहब। हाँ भाई तू भी लगाओगे ग्रिप, तो गाइस इसने तो लगा ली। अब भाई कोको को लेकर मेरा हाथ ना पकड़ लिए, फंस गया। बट भाई तो सारा ध्यान इसके ऊपर है,
ले इसमें लगा ले ग्रिप। नहीं या तो नु कह रही इसके ऊपर लगाऊंगी। अच्छा ओए मेरा हाथ पकड़ा थी यानी भाई ग्रिप लगाती इनका तो भाई एक दूसरे के ऊपर ध्यान जा लिया सारा। एक काम करता हूँ रेड किंग वाली चेस्ट बेल्ट को पहनाता हूँ तब लगाऊंगा इसके जोर ऐसा तो भाई गर्दन में दिक्कत आ जाएगी। बात तो सही है। कोको क्या होगा देखो बिल्कुल लाल होगी। कोको क्या हो गया तेरा या भाई जोर इतने लगा हुआ तो लाल होती बट भाई अब कोई दिक्कत नहीं है चेस्ट बेल्ट पहना दी। सोच रहा भाई कोको का दूर दूर से अगर ऐसा नहीं करवाता हूँ बिल्कुल दूर दूर से करवाऊंगी जहाँ से रेड किंग करवा रहे थे। यहाँ पे एक लाइन खींचे तो भाई और गाइस इन दोनों को देखो कैसे मस्ती कर रहे। कोको छोड़ दे ग्रिप छोड़ दे। नहीं थोड़ी देर में भी अपना पप्पी लेकर लग रहा साका जो भाई वो ग्रिप लगा हुआ है वो तो भाई ग्रिप लगाने के साथ साथ सबके ऊपर अटैक करे। बस भाई साका किसके साथ ना बच्चा जो ब्लैक वाला पप्पी है ना दोनों सेम एज के हो गए। जिस ब्लैक वाले पप्पी के साथ उसका रिएक्शन भी देखें क्योंकि भाई दोनों की सेम एज होगी। तो गाइस कोको को मिलवाते हैं और गाइस लाइन खींच ली पहले ही इस लाइन तक ना लेकर जाइए। अब देखते हैं भाई किसमें कितना करंट है और गाइस इन दोनों का एग्रेशन देख के देखेंगे रेड किंग भी भोक क्या रेड किंग अभी तो बिल्कुल आराम से खड़ा इन दोनों का एग्रेशन देख के देखते हैं भोक क्या भोकने लगा वो भोकने लगा भाई इसका मतलब कोको का पूरा साथ दे रहा हो इसको पूरी गुस्से लगा देखना भाई छोटी सी पड़े हो बट भाई पीछे नहीं हटती एक बार हाथ में आ जाए तो कोको की नस वस सब उठ गई ये देखना भाई जैसा भाई जिम करी हो उसने अभी। बस भाई अब कोको को बांधते हैं काफी देर से जोर लगा रही हूँ आपकी भाई अचानक सा अंधेरा सा हो गया शायद भाई बारिश आओगी अगर बारिश आ जाए मौज आ जाएगी थोड़ा थोड़ा लग सी तो राखी आने वाली भी अचानक से सीन बनेगा था कोको ने भाई जेबड़ा तोड़ेगा इसके ऊपर अटैक कर देता दांत तो नहीं लगे पट्टा ऐसे टूट गया बीच में से कोको को भाई थोड़ा इस साइड को कर लिया क्योंकि भाई बहुत दिनों से दुश्मनी चल रही है दोनों की। अचानक से भाई जेबड़ा टूटा तुरंत टूट कर पड़ी उसके ऊपर वो तो भाई मैंने भाग पकड़ लिया छोड़ दे इसे भाई यहीं पे रेस्ट करने देता हूँ यहीं पे बांध दूंगा कहीं दांत वात नहीं लगे वो तो भाई बीच में साइकिल लड़की वरना भाई आज पक्का फाइट हो जाती इतनी तेजी से गई भाग के। मेरे सारे डॉग्स में सबसे ज्यादा गुस्से कोको ही है कोको के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है इसमें भाई कंट्रोल होता वैसे भाई गुस्सा तो रोको रेड किंग के अंदर भी पूरा है बट भाई है कि कंट्रोल कर ले कोको पे भाई कंट्रोल नहीं होता। तो गाइस अभी साक आ गया और गाइस इसका तो यहां पे एग्रेशन होगा क्योंकि भाई छोटा सा पड़े हो बट भाई पूरा चर चरा दिखाता हूं भाई थोड़ी देर में इसके चलवे रुको जरा ये देखो भाई इसके ऊपर एग्रेशन कर रहा कितनी बड़ी इच्छा है बट भाई पीछे नहीं हट रहा मार दे साले का खोपड़ी तोड़। मैंने कहा था ना कि भाई इसका तो पूरा एग्रेशन होगा छोटा सा पड़े हो बट भाई पूरा कुकार है ये दोनों भाई सेम एज के हो गए ना। अरे ओए छोटा ना ज्यादा ढिल्ला ना छोटा ये देखना भाई पूरा टूट टूट का पड़ रहा है इसके ऊपर वो तो खैर मजाक मस्ती में टूट रहा है यो भाई सीरियस में है पूरा ये तो भाई भी है छोटे पैकेट बड़े धमाके ये देखना भाई इसके ऊपर ही पूरा टूट टूट का पड़ रहा छोटा सा ओए पीछे रखो यो भाई छोटा सा पड़े हो बट भाई पूरा आराम में है ये देखना भाई पीछे नहीं हट रहा इधर नहीं पता ये कि बुढ़के में डिलीट हो जाएगा दुनिया से खत्म। कोको की दुश्मन को भाई पहले ही भेज दिया क्या पता भाई दिक्कत हो जाए जब भाई दूर चली जाएगी जब लेकर चलूंगा यहाँ से। और गाइस थोड़ी देर में ना खुला छोड़ देंगे फिर भाई ना घर तक खुला छोड़ के लेकर जाएंगे अब तक भली बंद रहे थे थोड़ी देर में भी सब भी चले जाएंगे जाने लग रहे भाई बाय बाय क्योंकि भाई आज कोको की भी दुश्मन है उत्तरी कोको तू तो कड़ी कड़ी ग्रिप लगाने लगी यहाँ पे भाई साइकिल का टायर है ना इसके ऊपर एग्रेशन कर रही और गाइस रेड किंग का दुश्मन टाइगर है इस वजह से ना खुला नहीं छोड़ता समझ रहे हो। कोको को तो भाई खुला छोड़ दिया और गाइस खुला छूटते इधर उधर जा रही नो देख रही कहाँ गई मेरी दुश्मन और गाइस रेड किंग को भी खुला छोड़ दिया वैसे तो भाई काफी दूर जा लिए ये बस भाग ना जाओ उनके पीछे वे जाने लग रहे भाई कोको खुली घूम कर रिलैक्स होगी वरना भाई अब तक है कर रही थी बंदड़े के बाद पूरे जोर लगा ना और गाइस ऐसे वाले पट्टे धीरे धीरे करके सारे टूट गए अगली बार भाई बिल्कुल नहीं लाने का ये वाले पट्टे दोनों कैसे मस्ती करते हुए जा रहे अब भाई घर तक कैसे मस्ती करेंगे वो तो भाई रात होगी अच्छे से दिखना रहे होंगे आगे आंख दिख रही बस देखना रेड किंग पूरा मस्त आ गया ओ भाई साहब रेड किंग के अंदर भाई पूरी फुर्ती है देखना भाई कैसा भाग रहा पता नहीं भाई अच्छे से दिख रहे होंगे या फिर नहीं इनकी आंख ही आंख दिख रही और बेटे कोको के ऊपर कूद के भाग कर और गाइस इनका ऐसा खुला घूमने में जी लगा देखना भाई कोको को भाग भाग टक्कर मार रहा। तो गाइस अभी फाइनली आ गए इन दोनों को लेकर पे रेड किंग को आते छत पर छोड़ दिया बिकॉज भाई बंदर आ रहे अब भाई थोड़ी बहुत देर बंदर भगा लेंगे और गाइस रोक हमारा ये लेट लगा रहा बट भाई इसके पैर में दिक्कत सी आ रही कोई नहीं भाई कल तक ठीक हो जाएगा क्योंकि भाई मां जैसे कहीं नहीं लेकर गया देखना भाई कैसे लेट लगा रहा ले हेलो। और गाइस आज की वीडियो के एंडिंग भी पे करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।